तो डिस्कस द फॉनहॉफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ डबल स्लिट. ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करके उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें चलते हैं. तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें सिंगल स्लिट था, अब हम जो पढ़ रहे हैं तो डबल स्लिट है. तो एक स्लिट की जगह दो स्लिट हैं, तो दो स्लिट होंगी तो क्या फर्क पड़ेगा और क्या एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, आज वो करते हैं. क्वेश्चन नोट कर लिया? यस मैम. चलिए तो नेक्स्ट करते हैं. ये फिगर है हमारी, ठीक है. तो ये सोर्स है, सोर्स से जो वेव फ्रंट्स चले, टू स्लिट्स थी हमारी S1 और S2. तो S1 और S2 टू सोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ से फिर वेव फ्रंट्स आगे बढ़े. इन दोनों के बीच में जो सुपर पोजिशन हुआ या जो लाइट बैंड हुई उसका जो पैटर्न है वो हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो गया. और यहाँ पर हमें वहां पे क्या था, सेकेंडरी मैक्सिमा दिखते थे, यहाँ पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है. जिनकी इंटेंसिटी उसके कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा है. यहाँ पे टू लाइन्स हैं, एक डॉटेड लाइन है और एक हमारी रेड लाइन है. तो डॉटेड ब्लैक लाइन जो है डिफ्रेक्शन पैटर्न बताती है, डॉटेड रेड लाइन हमारी इंटरफ्रेंस पैटर्न बताती है. क्योंकि टू सोर्स हो गए, टू बीम्स हो गई, तो डिफ्रेक्शन के साथ साथ इंटरफ्रेंस भी होगा और वो इंटरफ्रेंस पैटर्न भी हमें स्क्रीन पे दिखेगा. तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे. तो इसको करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले इसकी फिगर देखिए. सोर्स है, उसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से जो पैरेलल बीम से हमारी स्लिट S1 और S2 पे इंसिडेंट हुई, जो स्लिट विड्थ है हमारी E है और इन टू स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, ठीक है, वो हमारा D है. तो यानी कि हमने डिस्टेंस कौन सी ली है, ये जो बीच में लाइन जा रही है, तो ये हमारा D/2 है. यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये D/2 है. तो इन दोनों रेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी E पूरी विड्थ, यहाँ से E/2 है, सोर्स है, ठीक है. उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, फिर हमारे पास टू स्लिट्स हैं जिसकी विड्थ E है, दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है वो E है. फिर उसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस और है और फिर हमारे पास स्क्रीन है XY. जो लाइट डेविएट नहीं हो रही वो O पॉइंट पे फोकस हो रही है, जो लाइट डेविएट हो रही है P पॉइंट पे फोकस हो रही है. प्लस क्योंकि टू स्लिट्स हैं तो टू बीम्स यहाँ से जा रही हैं, तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी कर रही हैं. तो पी पॉइंट पे एक तरीके से दो चीजों का इफेक्ट आ रहा है, एक तो जो लाइट थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो रही है उसका, साथ में ये दोनों जब सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उसका. तो यानी कि पी पॉइंट पे हमारा कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन का. अब हम क्या कह रहे हैं, जो थीटा एंगल से लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है, जो S से हमारी पास हो रही है S1 से और S2 से, इन दोनों के बीच में हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और फेज डिफरेंस. तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AK, ठीक है, यहाँ से ये वाला. तो पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने कल किया था कि ये वाली जो डिफरेंस है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 - थीटा होगा. ये परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये वाला जो एंगल है सी पर ये 90 है, तो इसलिए जो यहाँ पर एंगल बन रहा है यानी कि S1, S2 और K ट्रायंगल में, ये वाला जो थीटा बन रहा है एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है. तो हम यहाँ पे फिर साइन थीटा यूज कर लेते हैं और साइन थीटा हो जाएगा S2K/S1, S2 और हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा S2K, ठीक है, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा 2π/λ × पार्ट डिफरेंस होगा. तो पहले स्पीकर के बारे में लिख लेते हैं. AB and CD आर टू स्लिट्स ईच ऑफ विड्थ E सेपरेटेड बाय ऑब्क्यू स्पेस D. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट इज प्लस D. यहाँ पे निकाल के भी दिखाया मैंने आपको, ये E/2 है, ये E/2 है, तो E+D जो है आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों रे. सिंगल स्लिट से जो एम्पलीट्यूड जा रहा है वो A sin alpha / alpha है, तो दोनों का कंबाइंड निकालना है. तो हमारे पास एक तरीके से टू बीम्स हैं, एक बीम ये है, एक बीम ये है, तो n = 2 हो जाएगा.
एम्पलीट्यूड ये है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस और देख लेंगे तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. बाय द हाइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट इन अ स्लिट ए बी एंड सी डी सेंड सेकेंडरी वेवलेट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू वेवलेट डिफ्रेक्टेड फ्रॉम ई स्लिट इज डायरेक्शन थीटा इज गिवन बाय आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा. भाई स्लिट जो ए बी है उससे भी इतना एम्पलीट्यूड जा रहा है और स्लिट टू से भी हमारा इतना एम्पलीट्यूड जा रहा है. तो यहाँ तक इसको फिगर को बनाइए, फिर उसको आगे करते हैं. यस मैम कर दीजिए, मैं फिगर को जूम कर दीजिए थोड़ा मैसी से और यहाँ से कर देती हूँ, है ना. देखिए ये थीटा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है S1 से K, तो S2 K हमारा पार्ट डिफरेंस है दोनों रेज के बीच में, और ये वाला एंगल थीटा है. कैसे थीटा है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल थीटा होगा. तो इस वाले ट्रायंगल में यानी ये S1 S2 K में हमने साइन थीटा यूज किया है जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है. तो हमें फिलहाल यहाँ से ये ए ई बाय टू और ई बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं ई प्लस डी. यस मैम. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. ठीक है, वेयर ए हमारा कांस्टेंट है जो हम कल कैलकुलेट कर चुके, और अल्फा हमारा पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा. ये भी नोट कर लीजिएगा, कैपिटल ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू कितनी थी, एन ए. ठीक है, और अल्फा इक्वल टू पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा. तो जब हम डबल स्लिट करते हैं तो ये मान के चलते हैं सिंगल स्लिट आता है, तो यहाँ पर जब हम कंडीशंस यूज करेंगे सिंगल स्लिट की, तो हम वो यहाँ पे दोबारा नहीं निकालेंगे, है ना. यहाँ पे दोबारा निकालेंगे तो ये डेरिवेशन और लेंथी हो जाएगा, तो सिंगल स्लिट की जो कंडीशन है उनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, ना एग्जाम में करना होता है ना यहाँ पे दोबारा करना होता है. जब डबल स्लिट और हम एन स्लिट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि पीछे वाला पार्ट हमें आता है, तो वो कंडीशंस हम उनको ऐसे ही लिख देते हैं. और एग्जाम के लिए एक चीज और है, डिफ्रेक्शन आप तब याद करिएगा जब आपकी बाकी 4.5 यूनिट तैयार हो गई हूँ. ठीक है, क्योंकि इसके जो डेरिवेशन हैं वो बहुत लेंदी हैं, है ना, तो लर्न करने में भी टाइम करेगा, है ना. तो क्या करिएगा, इसको तब लर्न करिएगा जब आपकी 4.5 यूनिट पूरी तैयार हो जाएगी एग्जाम के लिए. एक्सटर्नल की बात कर रही हूँ मैं. चलिए तो फिर इसको आगे करते हैं. देयरफॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी ऑन अ स्क्रीन विल बी रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा. दोनों जो स्लिट से एम्पलीट्यूड निकल रहा है, हर एक का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो हम कल कैलकुलेट कर चुके सिंगल स्लिट की वजह से. The path difference between wavelet from S1 and S2 in the direction theta, क्या करेंगे, triangle S1 S2 K में sin theta यूज करेंगे, और sin theta हो जाएगा हमारा S2 K upon S1 S2. तो वहां से हमारा S2 K की वैल्यू आ जाएगी E plus D sin theta. कल path difference आ रहा था E sin theta, आज हमारा आ रहा है E plus D sin theta. path difference आ जाएगा तो phase difference निकाल सकते हैं. फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे e प्लस d साइन थीटा. वहां पर हमने इस वैल्यू को जो है डेल माना था, यहाँ पर हम इसको 2 बीटा मान रहे हैं क्योंकि चेंज हो गया, वहां पे d नहीं था, यहाँ पे d आ रहा है. तो फेज डिफरेंस इक्वल टू टी बीटा, 2 बीटा. अब हम क्या चाह रहे हैं, टू रिजल्ट्स के बीच जो टू वेव्स हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाह रहे हैं. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैंने एक एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी लिखवाया था, ए साइन एन डी बाई टू या डेल बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू. डेल बाई टू भी यानी कि दो कंसेक्यूटिव रेज के बीच का फेज डिफरेंस, एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ए एम्पलीट्यूड. यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एक वेव की वजह से, एक स्लिट से जो वेव निकल रही है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा. एन कितना हो गया, स्लिट दो है तो एन इक्वल टू टू हो गया. डी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया टू बीटा. तो ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारा ए इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, डेल इक्वल टू टू बीटा, और एन इक्वल टू टू. ये वैल्यूज रख दीजिए इस फॉर्मूले में. तो a इक्वल टू रख देंगे a साइन अल्फा अपॉन अल्फा, n की जगह 2 और डेल की जगह 2 बीटा.
टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर रीराइट कर दीजिए इक्वेशन को. तो आर डैश इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन टू बीटा अपॉन साइन बीटा. साइन टू बीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन बीटा कॉस बीटा. तो ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा टू साइन बीटा अपॉन टू साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा. साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, तो एम्पलीट्यूड हो गया टू ए साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन ए. एम्पलीट्यूड आ गया तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे. तो इंटेंसिटी इक्वल टू आर डैश स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर बीटा, वेयर बीटा इक्वल टू पाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा. अब एक चीज बताइए मुझे, कल हमने जब सिंगल स्लिट किया था तो ये वाली टर्म को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था. साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर थीटा जीरो है तो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, साइन अल्फा जीरो है तो मिनिमा मिलेगा, और अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पाई बाय टू प्लस माइनस फाइव पाई बाय टू है तो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा. तो हमें इस टर्म को दोबारा से कंडीशंस को निकालने की जरूरत नहीं है. ये वाली टर्म को हम एक्सप्लेन नहीं करा, ये टर्म हमारी अब डबल स्लिट में आई है ना. तो जो ये पहली वाली टर्म है ये ड्यू टू डिफ्रेक्शन आई है जो स्लिट से हो रहा है, चाहे एस वन स्लिट हो चाहे एस टू स्लिट हो, यानी ए बी स्लिट और सी डी स्लिट से अगर हमारा हो रहा है डिफ्रेक्शन, ये उसकी वजह से आया है. जो ये कॉस स्क्वायर बीटा वाला टर्म है ये इंटरफ्रेंस की वजह से आ रहा है, जो दोनों वेव्स यानी स्लिट फर्स्ट वाली और स्लिट सेकंड वाली से जो वेव्स निकल रही है उनके बीच में जो इंटरफ्रेंस हो रहा है ये टर्म उसकी वजह से आई है. तो फर्स्ट टर्म को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके सिंगल स्लिट में, तो दोबारा यहाँ उनको नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट वो कंडीशंस लिखेंगे कि हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा कब देता है, मिनिमा कब देता है और सेकेंडरी मैक्सिमा कब देता है. कॉस स्क्वायर बीटा वाली टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि कब ये हमें मैक्सिमा देता है कब ये मिनिमा देता है, तो इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम कॉस स्क्वायर बीटा वाली टर्म को और एक्सप्लेन कर देंगे इसके बाद लिखने के बाद. दस द इंटेंसिटी इन अ रिजल्टेंट पैटर्न डिपेंड ऑन टू फैक्टर. पहला है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा विच गिव्स द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू ईच इंडिविजुअल स्लिट. दूसरा है हमारा कॉस स्क्वायर बीटा विच गिव्स द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफ्रेक्टेड लाइट वेव फ्रॉम टू स्लिट. तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा डिफ्रेक्शन की वजह से हो रहा है जो स्लिट्स कर रही हैं, और कॉस स्क्वायर बीटा जो हमारी टर्म आई है ये इंटरफेरेंस की वजह से आई है. ठीक है, तो डिफ्रेक्टेड टर्म ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सिंगल स्लिट में. तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा गिव्स द सेंटर मैक्सिमा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो which have alternated minima and maxima of decreasing intensity on either side. तो theta equal to zero पे हमें principal maxima मिल जाता है. minima कैसे मिलता है, e sin theta equal to plus minus m lambda. और secondary maxima is obtained in the direction of alpha equal to plus minus 3 pi by 2 plus minus pi by 2 and plus minus 7 pi by 2. तो ये वाली term हमें दोबारा से नहीं निकालनी है, ये direct हम use कर लेंगे single slit से. ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा वाली टर्म एक्सप्लेन करेंगे. तो कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम कब देगा, जब कॉस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अरे वन होगी, वन है ना कॉस बीटा. हाँ मैम, वो बीटा की वैल्यू बता रही थी. हाँ बीटा की टर्म्स में, तो ठीक है, तो बीटा इक्वल टू एन पाई. ठीक है, 90 पे नहीं होता है मैक्सिमम, n pi पे होता है, 0, 180, हाँ मतलब स्क्वायर है ना, तो पाई पे भी मैक्सिमम देगा, क्योंकि जब वन का माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो n पाई. और मिनिमम कब देगा, जब कॉस बीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगी, है ना, 90, 3 पाई बाय 2 इस तरीके से होगी. तो इतना लिखिए, उसके बाद फिर कॉस की वैल्यू और देख लेते हैं एग्जाम में. चलिए तो फिर आगे करते हैं. अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा वाली टर्म को एक्सप्लेन करेंगे. तो इंटरफेरेंस टर्म कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. द ब्राइट फ्रिंजेस मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेन कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू एन पाई. तो बीटा की वैल्यू रख देंगे, बीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. तो देख रहे हैं वहां पर सिंगल स्लिट की वजह से जो पीछे वाली टर्म थी या डिफ्रैक्शन की वजह से जो मिनिमा की कंडीशन थी वो थी हमारी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा.
है ना, यहाँ पर हमारी मैक्सिमा की कंडीशन है e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, और n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3 होगी, जो n इक्वल टू 0 है वो हमें जीरो ऑर्डर मैक्सिमा देगा, और ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा डिफ्रैक्शन की वजह से जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उससे कोइंसाइड करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 रख दोगे तो साइन थीटा 0 जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 0, वहां पर भी थीटा इक्वल टू 0 मैक्सिमा की कंडीशन दे रहा था, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 मैक्सिमा की कंडीशन दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे. डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन इन द डायरेक्शन गिवन बाय कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. बीटा की वैल्यू रख देंगे, बीटा की वैल्यू है पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मिनिमा की कंडीशन आ गई. ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिखा हुआ है. e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ये मिनिमा की कंडीशन हो गई. द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्यू टू डिफ्रैक्शन टर्म इंटरफेरेंस टर्म एंड कंबाइंड इफेक्ट आर शोन इन फिगर. तो वो उसके बाद बनाएंगे कि डिफ्रैक्शन की वजह से हमें किस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए, इंटरफेरेंस की वजह से कैसा पैटर्न दिखना चाहिए, और फिर उन दोनों को ज्वाइंट करके उनका कंबाइंड इफेक्ट से कैसे पैटर्न दिखना चाहिए, वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए. फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंटरफेरेंस टर्म कौन सी है हमारी, कॉस स्क्वायर बीटा. कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 1, तो मतलब बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई. बीटा की वैल्यू रखिए, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, और एन 0, 1, 2, 3 हो सकता है, वहां पर एम इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है मिनिमा में. ठीक है, वहां पे डिफ्लेक्शन में मिनिमा की कंडीशन थी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, सॉरी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 करते ही वो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन बन रही है, और ये किसकी कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है. तो हम क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होगा कि डिफ्रैक्शन का मिनिमा और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, ओवरलैप करेगा. तो जब ऐसे ओवरलैप करेगा तो कुछ ऑर्डर हमारे मिस हो जाएंगे, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वो हम बाद में निकालेंगे कि क्यों हो रहे हैं, पहले इतना नोट करिए. चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इनके कंबाइंड इफेक्ट से इंटेंसिटी का कर्व बनाएंगे. तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, सारे ब्राइट्स एक से होते हैं और सारे डार्क एक से होते हैं और इक्वी डिस्टेंस होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, है ना, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ये हमारा जो फर्स्ट वाला ग्राफ है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का ग्राफ है. ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा कब मिलता है, जब थीटा इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू 0 होता है. मिनिमा कहाँ मिलते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई पे हमें मिनिमा मिलते हैं, और ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, जो किस किस पे मिल रहे हैं, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 पे मिल रहे हैं, है ना. ये वैल्यू अगर मैं देखूंगी तो कितनी होगी, प्लस 3 पाई बाय 2, है ना, ये कितनी होगी, 5 पाई बाय 2. इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिल रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे मैक्सिमा मिल रहा है. अब मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे. ठीक है, तो ये दोनों जब एक दूसरे पे कंबाइंड होते हैं, तो देखिए आप यहाँ से देख रहे होगे, ये इतना ब्रॉड है, तो ये तीन इंटेंसिटी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके साथ अंदर जा रही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाली इंटेंसिटी इसके साथ मिक्स हो जा रही है, तो यहाँ पे और इंटेंसिटी कम हो जाएगी इनकी. तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा तो दिखाई देगा, उसके बाद हमें डार्क दिखाई देगा, क्योंकि ये इंटेंसिटी इतनी कम है, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, अगर डबल स्लिट का केस है तो. ठीक है, ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है. भाई सिंपल कैसे निकालेंगे हम मिसिंग ऑर्डर या एब्सेंट स्पेक्ट्रा, डिफ्रैक्शन का मिनिमा और इसके मैक्सिमा की कंडीशन को इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करोगे तो क्या होगा, एक दूसरे को जो वैल्यू कट कर रही है साइन थीटा कट हो जाएगा,
ई प्लस डी अपॉन ई वाली वैल्यूज आ जाएंगी कि कौन कौन से ऑर्डर हमें मिस होते हैं. तो देखते हैं, पहले इतना कर लीजिए. हो गया मैम. चलिए तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. ठीक है ठीक है, ये हमने फिगर बना रखी है इसकी दिखाने के लिए कि किस तरीके से है. ठीक है, ये डबल स्लिट है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा स्क्रीन पे. तो सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें बहुत बड़ा दिखेगा, बाकी फिर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं ऑब्जर्व होंगे, वो मिनिमा के जैसे ही होंगे. तो ये देखिए दिखा भी रखा है, सिंगल स्लिट में हमें ऐसे दिखता है मैक्सिमा, फिर ये देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा भी कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, है ना, यहाँ पर. जबकि डबल स्लिट में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखिए इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही है, और फिर यहाँ पर भी हमें ऐसे दिख रहा है, तो पैटर्न जो चेंज हो रहा है. चलिए मिसिंग ऑर्डर समझते हैं. मिसिंग ऑर्डर क्या होता है, अगर हम ई और डी की वैल्यू को चेंज करें तो इंटरफ्रेंस के कुछ ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं. मिस हो जाते हैं मतलब वो क्या करेंगे, इंटरफ्रेंस के वो ऑर्डर हमें डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे मिलेंगे, तो उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी और वो फिर हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे साइमल्टेनियसली उसी जगह पे हो, तो वो ऑर्डर मिस हो जाएंगे. तो कैसे निकालोगे, पहले इंटरफ्रेंस मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है हमारी, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा. डिफ्रेक्शन के मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा. इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ई साइन थीटा अपॉन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा एन लैम्डा. साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन ई प्लस डी इक्वल टू एम एन, और एन इक्वल टू एम ई प्लस डी अपॉन ई. ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्डर मिस होंगे वो डिपेंड करता है कि हम ई और डी किस तरीके का ले रहे हैं. ठीक है, वो अभी करके देखेंगे. यहां तक नोट करिए क्या बोल रही हूँ मैं आपको, कि हमारे डबल स्लिट के अंदर कुछ इंटरफ्रेंस के ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, या कह लीजिए दिखते नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे आ जाते हैं, और जब डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे आएंगे तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू थी या नहीं थी. तो क्या करेंगे, इंटरफ्रेंस का मैक्सिमम और डिफ्रेक्शन के मिनिमा को साइमल्टेनियसली एक ही जगह वैल्यू देखेंगे. तो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ई प्लस ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा. इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड किया तो एन इक्वल टू एक एक्सप्रेशन आ गया. यही एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटिंग में भी होता है, तो इसलिए दोबारा नहीं निकालेंगे वहां पे, इसी को याद रख लेते हैं कि एन इक्वल टू एम ई प्लस डी अपॉन ई आता है. अब किस तरीके से डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं अलग अलग केस के लिए, कि कौन कौन से ऑर्डर मिस होंगे. ठीक है, तो पहला केस क्या करेंगे, E इक्वल टू डी, अगर स्लिट विड्थ और उनके बीच का सेपरेशन दोनों बराबर हो तो कौन कौन सा ऑर्डर मिस होगा. ठीक है, सेकंड केस क्या करेंगे, अगर स्लिट विड्थ और इसमें रिलेशन ये हो कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हाफ के बराबर हो, स्लिट विड्थ के जो स्लिट विड्थ है वो डिस्टेंस की हाफ के बराबर हो, तो कौन से ऑर्डर मिस होंगे. यहाँ तक कर लिया, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी, फिर वहां पे कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगी. पहले फर्स्ट केस के लिए करूंगी, फिर आगे करेंगे एम. तो पहला केस करके देख लेते हैं, ई इक्वल टू डी, एक ही करा रही हूँ. नेक्स्ट मैंने लिखा ही है इक्वल टू, अगर डी बाय टू करेंगे तो कौन कौन से ऑर्डर मिस होंगे. ठीक है, तो पहला समझ लेते हैं, इफ ई इक्वल टू डी, अगर स्लिट विड्थ और उनके बीच का सेपरेशन दोनों बराबर रखे हैं हमने, तो कौन कौन से ऑर्डर मिस होंगे. तो ई की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी रख देंगे, है ना. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू डी अपॉन डी, टू से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो टू एम हो जाएगा, एन इक्वल टू टू एम. अब एम की वैल्यू वन टू थ्री होती है, जीरो से स्टार्ट होता नहीं एम हमारा. डिफ्रेक्शन में जो हमारा मिनिमा की कंडीशन थी क्या थी, एम इक्वल टू वन टू थ्री हो सकता है. तो एम इक्वल टू अगर मैं ये वन रखती हूँ तो यानी सेकेंड ऑर्डर मिस हो रहा है. एम इक्वल टू टू रखती हूँ तो फोर्थ ऑर्डर मिस हो रहा है. अब इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है इस फिगर से.
ये हमारा डिफ्रेक्शन की वजह से ग्राफ है, ठीक है। इंटरफ्रेंस की वजह से ग्राफ कैसा है हमारा, अगर m1 है तो n कितना हो रहा है 2, तो n 2 होने का मतलब क्या है, कितने इंटरफ्रेंस मैक्सिमम होंगे, n n कहाँ से स्टार्ट होता है, n स्टार्ट होता है 0 से, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो यानी कि इंटरफ्रेंस के टोटल 5 मैक्सिमम होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर m1 है तो n हमारा 2 हो रहा है कि सेकंड ऑर्डर मिस हो रहा है, सेकंड ऑर्डर मिस हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन कितने ऑर्डर होंगे इंटरफ्रेंस के, n इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, n इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। और अब हम कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर मिस हो रहा है, तो मतलब जो ये हमारा डिफ्रेक्शन है इसके अंदर इंटरफ्रेंस के 2 ऑर्डर होंगे, थर्ड वाला यहाँ पर आ जाएगा जो मिस हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला ऑर्डर होगा, यानी कि जो सेंटर मैक्सिमा है उसके अंदर इंटरफ्रेंस के 3 ऑर्डर दिखाई देंगे, 0 ये वाला, एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, और जो सेकेंड ऑर्डर है वो डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे लाई करेगा, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मतलब एन इक्वल टू फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर एम टू है, एम टू है तो यानी एम एन का जो है हमारा फोर्थ ऑर्डर मिस हो रहा है, तो एन के लेकिन कितने ऑर्डर होंगे उस टाइम, एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू प्लस माइनस 1, एन इक्वल टू प्लस माइनस 2, एन इक्वल टू प्लस माइनस 3, एन इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऑर्डर होते, उस 9 ऑर्डर में से फोर्थ ऑर्डर मिस हो रहा है, तो यानी ये 3 ऑर्डर दिखाई देंगे, तो 3 ऑर्डर दिखाई देंगे मतलब 3 ये वाले और एक ये 0 वाला, यानी कि इस सेंटर मैक्सिमा के अंदर हमें 7 ऑर्डर दिखाई देते, मतलब ये इस तरीके से होता, मतलब ये इसको कैसे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यानी सेंटर मैक्सिमा में हमारे 7 ऑर्डर इंटरफ्रेंस के होते, और जो ये 8वां होता हमारा और इधर जो 9वां होता ये मिस हो जाता, इसके मिनिमा पे लाई करता, इसका मतलब ये है। तो जब ये ऊपर वाली कंडीशन लिख लें, तो उसके बाद बस ये लाइन लिख लीजिएगा, इफ m इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 2, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना, इसको फिर हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसको कंप्लीट कर, तो ये लिखने के बाद लिखिएगा व्हेन, स्टार बना के लिख लीजिए, व्हेन m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 है, देयर मस्ट बी 5 इंटरफ्रेंस मैक्सिमा, दैट इज n इक्वल टू 0, n इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड n इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा, बट सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा आर मिसिंग फ्रॉम बोथ साइड, so there will be only 3 interference maxima, और 3 कौन कौन से होंगे, n equal to 0 order होगा और n equal to plus minus 1 वाला होगा, यानी 2 ऑर्डर n इक्वल टू 1 के होंगे और एक ऑर्डर 0 ऑर्डर का होगा विद इन द सेंट्रल या प्रिंसिपल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा। तो ये तो हमारी बात हो गई कौन कौन से ऑर्डर मिस होते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने n इक्वल टू e इक्वल टू d के लिए लिया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, e इक्वल टू
डी बाय टू के लिए देख सकते हो कौन कौन से ऑर्डर मिस होंगे और किस तरीके का पैटर्न होगा।